अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग मेरे साथ बने रहें, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए। तो ये रहे मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे हैं एसी लेने के लिए, और ये हैदर तैयार हो गया हमारे साथ जा रहा है, कह रहा नहीं मानना ही, इसकी तबियत ठीक नहीं, फिर भी नहीं जा रहा। और पापा कह रहे हैं कि तू पप्पी देते तो मेरे साथ चलियो। हैदर ने अपने शूज़ निकाल लिए हैं और मैं भी जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग सब रेडी हो गए, बस निकल रहे हैं घर से। तो ये आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं घर से। दिखा तो रही, अच्छा है ये देखो, ये स्कूल है यहाँ पर बच्चों का, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम शोरूम। ये रहा हैदर, हैदर 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 पसंद करेगा कौन सा एसी चाहिए हमें, ठीक है? आ जाओ हैदर, आ जाओ, आओ। तो ये देखिए आप, हैदर इतना थक गया है कि सो गया है। हैदर अब दूसरी जगह चल रहे हैं, ठीक है? तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह एसी देखने के लिए, और अभी हम वहाँ गए थे तो हमने वहाँ से रेट वेट सब ले लिए हैं। अब दूसरी जगह जा रहे हैं, जो हमारी मर्ज़ी की एसी होगी अच्छी एसी, हम वही लेंगे। अब दूसरे शोरूम में जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। शोरूम में आ चुके हैं दूसरे, और अब यहाँ एसी देखेंगे। हैदर और हैदर लिफ्ट बुला रहा है, देखिए आप सारे ऐसे लेते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हर तरह के, हर वैरायटी के, हर कंपनी के यहाँ पर ऐसे लगे हैं। तो ये हम आ चुके हैं दूसरे शोरूम में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ आए आप शोरूम में, ये लगी हुई ऐसी, ये रहा है हैदर, पीछे रहना भैया। तो हम आए हुए एसी लेने के लिए, और ये देख सकते हैं आप, एसी के बारे में पता कर रहे हैं किसी से, जैसे हमें एसी पसंद आती है मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ पसंद आया? ठीक लग रहा है। अच्छा, तो अभी मैं आ गई हैं और एसी भी आ गया, बहुत थक गई। अरे देखो मजा आएगा, मजा आएगा। एसी आ गए हैं मास्टर से। और भैया ने भी यहाँ पे ऐसे रख दिए सारे। ठीक है, आना ऑफिस, फिर आपको एक और बाबा से मिलवाता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हैदर के पापा उसकी पसंद की उसको बॉल दिला रहे हैं, और हैदर ने बॉल ले ली है। हैदर कौन सी बॉल ली तूने? दिखा कौन सा कलर लिया। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छी है हैदर की बॉल। तो अभी अंदर लिया है ज़बरदस्ती इनको कि मुझे बंदूक भी चाहिए, तो उन्होंने बंदूक भी दिलवा रहे हैं, उसको पसंद करवा रहे हैं कौन सी बंदूक चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हम आ चुके हैं आइसक्रीम शॉप पर, और ये हैदर इनको आइसक्रीम शॉप पे लेके आ गया है और आइसक्रीम पसंद कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह मान आ गया मेरा शो से, शो में गया हुआ था। कैसा हुआ बेटा प्रोग्राम? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही थी, उसमें भी हिम्मत करके चले गए, मेरे बच्चे दोनों की तबीयत ख़राब हो रही थी, अल्लाह जानों की खैर। तो आप देख सकते हैं जाकिर अभी भी शो से आया है, हैदर की आइसक्रीम लेके आया है, देखो और ज़्यादा। लो हैदर के पापा भी खाएंगे, पापा से लड़ लिया है कि तुमने एक मंगाई है, तू कितनी लाया बता ज़रा, देख ले तू गलत निकला। देख भूख ऐसे जा रही है, देख ऐसे इसकी। तो आज आप हैदर का नया लुक देखिए, देखो हैदर क्या करके आया है, देखो सारा मोटा भाई पेट पे आया। ये क्या है भाई? उनका यहाँ पर कैरम चल रहा है, फिर कैरम खेल रहे हैं। सारे आयान शॉट दिखा दे, आज शॉट दिखा दे अपना। ओ भाई अम्मी तैयार हुई आज, रिबू कैसे आ रही है ईदी? तो आज आ रही है हमारी बहू की ईदी, तो आप देख सकते हैं सामान आ गया है, और ये रही मेरी अम्मी, अम्मी आई हुई।
ठीक। तो ये आप देख सकते हैं लोगों को कैसी हंसी आ रही है, ये मुँह छुपाए ले रही है अपना, ये रिबू की खाला की बेटी है कशिश, और ये रिबू की अम्मी है आप जानते हैं जैसे कि, और जाकिर और ये सब लोग लगे हुए यहाँ नाश्ता लाने में, ये आ गया नाश्ता और अभी कोल्ड ड्रिंक रह गई है। बच्चों ने कहा कि भाई मोमोज ले जा रहे हैं, मोमोज हर इंसान शौक से खाता है, तो चलो चलते हैं रिबू के पास जाके देखें कि क्या क्या कर रही हो। तो कोल्ड ड्रिंक रह गई थी तो ये लोग लगे हुए हैं, बस ये रह गया है और हम लोगों ने सबने मिलके ये नाश्ता लगवा दिया है, तो चलो चलते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ मन, ये जो छुपके करेगा वो मैं खाऊंगी। मुझे पता था ये नहीं बना, आ जाओ जान, आ जाओ। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं अभी आपको नाश्ता करते हुए। भाई सब आ गए हैं, एक गुट छोड़ देना। तो गाइस इन लोगों ने रख लिया टेबल पे कैरम, इसकी हाइट भी ऊंची हो गई, देखो ना हाइट ऊंची, अब अच्छा लग रहा खेलने में भी, है ना। शॉट देखते नहीं गया, मिस, अब अमन मारेगा। तो गाइस अभी यहाँ पे ना ये क्या है मम्मी, बिरयानी और नहारी, क्योंकि आज आए हुए हैं भाभी के घर वाले, तो गाइस बिरयानी रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हो रहा है चिकन फ्राई और इसमें नहारी है, बाकी अंदर भी चली गई, चिकन फ्राई हो रहा है और ये बिरयानी अंदर लेके जाया जा रही है, और ये लग गया दस्तरखान, नहारी यहाँ रखी इसमें नहारी। ये आ गया गुलाम वारिस भाई, ये गुलाम वारिस भाई हैं माशाल्लाह। बिरयानी सलाद सब लग गए दस्तरखान, सब बैठ गए, और ये आ गए नहर, अद्दू हेलो कर दे। जी अमान काम करवाते हुए पानी की बोतल, हाँ ये सही कर, फ्रिज में रख दिया, ठंडी हो गई होंगी बोतलें, ये है ना ठंडी वाली, ये आ गई चिकन फ्राई, चल बैठ जल्दी, सारे बैठो सारे बैठो। तो गाइस अभी यहाँ पे खा रहे हैं हम सब खाना, गाइस अभी यहाँ पे बन रही है रोटी और पापा ने लगाया है दाल में तड़का, गाइस यहाँ पे बन रही है रोटी और यहाँ पे पापा ने लगाया है दाल में तड़का। मैं नाज रेडी हो गई सैरी करने के लिए, और ये रहा हैदर, ये देखो कितना बड़ा पहलवान है, ये टी शर्ट के अंदर कितना बड़ा पहलवान निकला। यहाँ बन रही है रोटी गर्मा गर्म, और इधर हो रही है दाल गर्म, यहाँ दाल गर्म हो रही है, और ये लगाया था हमारे हस्बैंड ने तड़का, क्योंकि मैं गई थी बच्चों की ईद की शॉपिंग करने ना, है ना मनास। तो गाइस अभी यहाँ पे चल रही है सैरी, तो गाइस यहाँ पर हो रही सैरी, अपनी घर में खजला खरी और मैंने खरी दाल रोटी, और अभी हमारी आ रही है चाय, और आज है अलविदा की सैरी, तो अभी यहाँ पे सैरी कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग करो सैरी, और सैरी भी सिर्फ 3 मिनट बचे, जब इसे सैरी करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सैरी कर ली है, तो ये आप देख सकते हैं हजरत ने नमाज़ पढ़ ली है, हैदर हजरत ने हमारे हैदर पढ़ी, तो हैदर हमारा नमाज पढ़ेगा, अभी इनने कपड़े बदले हैं और इसका मूड ठीक नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं भूख के मारे मूड ठीक नहीं हो रहा, तो इसका एक दाल का रोज़ा नहीं है, तो इसलिए कुछ खाना चाह रहा है। और इधर आप इन लोगों को देख सकते हैं, ये लोग आए हैं यहाँ पर, वालेकुम सलाम, अल्लाह नसीब अच्छा करे, और ये आ गई मैं ना जान, आज का रोज़ा बहुत लंबा लग रहा है और आज का आखिरी रोज़ा है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इधर खुल रहा है रोज़ा, अभी दिलवाती हूँ जो 8 hours later तो यहाँ पर बड़ी अम्मी चाट बना रही हैं,
फटाफट। और आज मेरे बच्चों को सबको बुला रखा है। हाँ। और यहाँ देखिए काम हो रहा है, ये भाभी बना रही है कीमे के समोसे। ये भी बुला रही है। और यहाँ पर हम लोग अभी धीरे धीरे करके सामान रख रहे हैं। तो यहाँ पर बन रही है, तो गाइस यहाँ पर बन रही है प्याज की पकौड़ियाँ और ये कीमे के समोसे बन चुके हैं। यहाँ बना रही है मुनीबा चिकन की और ये चाट भी रेडी हो चुकी है और ये अलग से बनाई है मैंने। कितनी देर में बनेगी मुनीबा? रोज़ा खुलने वाला है, जल्दी से आ जाओ। और आप देख सकते हैं रोज़ा खुलने में कितना सा टाइम रह गया है। और कचरी कचरी आ रही है अभी। और आज सारी बहनें आई हुई हैं, ये देखो सूटी भी आई हुई आज। और मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा था क्योंकि चेंज करा, क्योंकि मैं रोज़ा खुलते प्रोग्राम में निकलूँगा, तो उसमें मैंने कपड़े चेंज कर लिए अपने। ये हैदर भी खेल रहा है, ये अलवा बैठी हुई है। हमने तीन दिन का ब्लॉग एक दिन में डाला क्योंकि ने दो दिन से हम ब्लॉग नहीं डाल रहे थे, तो उस चक्कर में हमारा जो दो दिन का ब्लॉग था उन्होंने एक साथ एडिट करके और आज इंशाल्लाह ब्लॉग आ जाएगा। तो ये नीचे वाले फ्लैट से आए रसगुल्ले, अभी घंटी बजी थी। तो गाइस नींबू ख़त्म हो गए थे तो नींबू लेके आया अभी अमान मार्केट से जाके, और रोज़ा खुलने वाला जल्दी जाओ चिकन जी में डलवाओ। तो यहाँ पर बैठे रहे, तैयारी हो रही है। एंड प्यारी इलमा देखो पकौड़ी लेके जा रही है, प्यारी स्वीटी क्या लेके जा रही है? प्यारी स्वीटी चाट, ओके केला। एंड ये बर्फ फूट रहा है, यही चल गई अपनी बॉल पेपर आई क्या मजदूर मजदूर मजदूरी कर रहा है में। हाँ मुझे मजदूर सवाबी कमाता है, क्योंकि मजदूर जहाँ जब हमारे लिए घर बनाता है तो वो भी सवाबी कमाता है। गिलास माशाल्लाह, गिलास पूरे नहीं क्योंकि माशाल्लाह यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी है। दीपू भाई है नहीं वहाँ पर, माशाल्लाह हजरत आ गए, क्या बात है माशाल्लाह। हजरत का कुर्ता कैसे लग रहा है गाइस, आप सब बताना कमेंट में। किस तरफ निकलेगा चांद तो देखने का, हमें चांद की नहीं दिख रहा। सामने छत पे भी लोग चांद देख रहे हैं, चांद नहीं दिख रहा। नहीं मुझे दिख गया। क्या 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 मुझे दिख गया चांद कहाँ है? ओए ओए क्या है? उसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन तो सब लोग दुआ करना अपने नसीबों के लिए और अपने माँ बापों के लिए और अपने माँ बाप के अपने पापा के रोजगार के लिए। अल्लाह सबको सलामत ऐसे परवरदिगार, जैसे चांद दिखता तो आपको दिखाते हैं। और इन्हें देखो ये चांद देखने कहाँ पे चढ़ रहे हैं। और इन्हें देखो ये चढ़ गए। मेरा मन चाह रहा है ऊपर चढ़ने का लेकिन नहीं चढ़ सकते क्योंकि रात हो रही है। मम्मी कुछ नहीं, हम लोग जाने वाले थे ऊपर, बड़े मैंने एकदम से खबर दी कि चुपकरी आ गई। तो गाइस तीसरी वही हॉर्न वाले लेकिन चांद भी नहीं दिखा, सब परेशान हो रहे हैं कि चांद नहीं दिख रहा। तो गाइस अभी हम सब नीचे जा रहे हैं क्योंकि चांद दिख नहीं रहा प्रॉपर। पूजा बंद, तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का करते हैं पर एंड। अगर आप लोग ने ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।